नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं इलेक्शन पल्स तेलंगाना चुनाव हैदराबाद से। हैदराबाद और तेलंगाना और यह चुनाव और इन चुनाव में सबसे अहम मुद्दा है महिला मतदाताओं का। महिला मतदाता इस बार इस नए राज्य में राजनीति की कमान संभाले हुए हैं। अगर आप केसीआर के पोस्टर्स देखें, यानी जिनका शासन पिछले 10 सालों से है, पीआरएस जो अब बीआरएस करके लड़ रहे हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार देखें, सबके केंद्र में महिलाएं हैं। कोई 400 रुपए की गैस देने की बात कर रहा है, कोई यह बात कर रहा है कि वो महिलाओं की निधि, जो सम्मान निधि है, उसको बढ़ाएंगे। यानी महिलाएं केंद्र में हैं और उसकी एक बहुत अहम वजह है कि इस राज्य में जहाँ 3,26,00,000 मतदाता हैं, उसमें 1,62,00,000 तो पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या, महिला मतदाताओं की संख्या 1,00,000 ज्यादा है। महिला मतदाता यहाँ तेलंगाना में 1,63,00,000 यानी 63 लाख हैं। सिर्फ मामला 1,00,000 या 2,00,000 का नहीं है, बात यह है कि जिसने महिला मतदाताओं पर अपना असर छोड़ा वह कमान संभालेगा तेलंगाना की। एक तरफ जैसे हम सब जानते हैं कि केसीआर, जिनके पास 10 साल से तेलंगाना का शासन है, वह बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। कई जो उनके विधायक हैं उनके खिलाफ माहौल है, उन सब से पार पाने के लिए पिछले कुछ समय से केसीआर ने बड़े पैमाने पर इस तरह की योजनाओं की घोषणा की, जिसमें कुछ तो अमल में भी आए हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है, चाहे वो शादी मुबारक हो या फिर कल्याण लक्ष्मी की बात हो या फिर डबल बेडरूम की बात हो। ये तमाम योजनाएं इस तरह की हैं जो बड़े पैमाने पे जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो वंचित समाज है, उसको प्रभावित करती हैं, उनकी महिलाओं के भीतर अपनी पैठ बनाती हैं। और एक और अहम योजना जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूँगी, क्योंकि उत्तर भारत में इस तरह की योजना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वह है सिंगल वुमेन को मदद देने वाली, यानी जो अकेली महिला है जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, उसे भी आर्थिक मदद, पेंशन देने की योजना यहाँ चल रही है। आइए आपके साथ मिलकर टटोलते हैं तमाम श्रमजीवी महिलाओं के साथ, देखते हैं कि उनके दिल दिमाग में और वोट डालते समय कितना याद रहेगा, क्या केसीआर का यह दाव उन्हें वापस सत्ता में लाएगा या कांग्रेस, जिसने एक बड़े पैमाने पर बड़े राहत की बात की है, रोजगार की बात की है, महिलाओं के सम्मान की बात की है, वह अपना असर छोड़ पाएगी। आइए मेरे साथ चलिए हैदराबाद की कुछ बस्तियों में। हमारे श्रीनगर में रहते हैं और यही काम करते हैं अपना सफाई का जी, घर में ही रहते हैं। इलेक्शन डालने के बारे में भी किसी का नहीं सोचा हूँ। किसका किसका नाम सुना है और क्या अच्छा लगता है आपको? केसीआर का सुना है और बीजेपी का सुना है। हम तो देंगे तो कांग्रेस को ही देंगे। मैडम स्वीपर का काम करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह साफ करते हैं। वोट की बात की जाए तो वोटरों ने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। हम सोच रहे जो दलित के लिए जो करेगा हम उसको वोट डालेंगे, पर दलित के नाम पर यहाँ कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस भी नहीं करती, बीजेपी भी नहीं करती, केसीआर भी नहीं करता। केसीआर ने दलित बंद और क्या डबल बेडरूम, वो किसी को, हमारे कास्ट वालों को किसी को नहीं दिया उसने। कुछ भी पूछे तो तुम्हारा हाइच नहीं बोल के बोलते। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है आपके पास? हमारे पास है, वो देने के बाद भी वो लोग क्या बोलते हैं, अभी और प्रूफ लाओ बोल के बोलते, क्योंकि हम इधर के नहीं है ना, तेलंगाना के नहीं है, हम दिल्ली के है बोल के ऐसा बोलते वो लोग, ये स्टेट के नहीं होते हम लोग बोल के ऐसा बोलते। आप कितनी जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं? ये हमारी दादाओं की जनरेशन से है, हमारे दादा पहले कांग्रेस था तो थोड़ा बहुत हमारे को भी तो मिलता था, सब गैस वगैरह सस्ता था थोड़ा बहुत, पर अब तो बिल्कुल ही हर चीज इतना महंगा हो गया, अब किसी को वोट डालना पता नहीं, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। मैडम अब तो कांग्रेस को ही जिताना है, और कुछ बोलो या मत बोलो। और आप जैसा कह रहे हो कि आप राम मंदिर घुमा के लाएंगे, परिवार को एक बार घुमाएंगे, दो बार घुमाएंगे, लेकिन उससे तो उम्र कटने वाली नहीं है, उससे पेट भरने वाला नहीं है और उससे गुजारा होने वाला नहीं है। भगवान दिल में रहता है, राम को कभी भी याद करो तो वो अपने अंदर है, कभी भी जाके अपन अपने पास रोजगार रहा, नौकरी रही, हाथ पांव सही सलामत रहे, सब कुछ अच्छा रहा, अपन हर दिन महीने में दो बार चार बार कभी भी जा सकते,
भगवान तो हर जगह, जब कम कहीं भी याद करो वही भगवान। तो केस यार 10 इयर्स हो गए, 2 बार भी आए, गरीब लोगों को मदद नहीं मिले। मैं देखने का है गरीब लोगों को मदद नहीं मिले। अगर थोड़ा काम भी थोड़ा थोड़ा अच्छा भी करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो वुमेन्स का बारे में थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा स्पेशलिटी दी, डिलीवरी का लोगों को बहुत सपोर्ट करे वही अच्छा बात है। नहीं तो प्राइवेट में जाके 50,000-60,000 डाल के गरीब लोग थोड़ा मुश्किल होते। और मैं स्कूल में ग्रामर स्कूल में काम करती हूँ, यहाँ पर अपना ही काम स्कैवेंजर। कितने साल से कर रही हैं? मैं 18 साल हो गए। कितना पैसा मिलता है? 10,000 मिलता है। ESI कट के मेरे को 10,000 मिलता। वोट डालती हैं? वोट डालती हूँ इसी को, KCR को। अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब नहीं मिलते, कुछ नहीं। आएगा आएगा बोल रहे हैं, वेटिंग वेटिंग में ही है। 10 साल से वेटिंग में है? वेटिंग मैं नहीं, बच्चों के लिए जॉब के लिए वेटिंग में है। तब भी KCR को ही वोट देते? दे, KCR को ही वोट दिए। अभी आता बोल रहे क्या है कि इलेक्शन के बाद में, पर नहीं मालूम। आपको क्या क्या फायदा हुआ, क्यों KCR को देते? फायदा देखिए मैडम, थोड़ा नीटनेस हॉस्पिटल्स में, ये बच्चों की फीस गवर्नमेंट में, अच्छी फैसिलिटीज, थोड़ा समथिंग समथिंग ऐसा बस मिल रहा। मेरे बच्चे तो एक ही बच्चे अभी पढ़ने के लिए, और बकाया बच्चे पढ़े, पर बच्चे को तो जो पढ़े उनके तो जॉब मिलना चाहिए ना। दोनों के काम अच्छे हैं, पर फायदा तो हमें कुछ नहीं हुआ। आपको डबल बेडरूम नहीं मिला? नहीं आया। अच्छा, और वो दलित बंधु? नहीं, कुछ नहीं आया, फायदा हुआ ही नहीं, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ हमें तो। वो कार्ड बनवाने गए, वो कार्ड भी नहीं आया हमारे। जाने के टाइम पे जाए तो एक बार बोले कि 2 दिन के बाद आओ, फिर गए तो स्कीम खत्म हो गया, आपको कौन बोले क्यों आए ऐसे बोले। कोई बात से फायदा नहीं हुआ हमें। तो वोट किसको देखेंगे, अभी बोलना क्या है, अभी डिसाइड नहीं किया। नहीं, नाम किसका ज्यादा चलता है, किसका आपको पसंद है? KCR है, राहुल गांधी है, BJP है, किसका नाम आपने ज्यादा सुना? हमारा तो फेवरेट कांग्रेस ही है मैडम, राहुल गांधी, फिर बाद में पता नहीं। राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? मतलब उनकी नादारी थी ना, उनसे ज्यादा अच्छा दिखता था मैं इंदिरा गांधी से। हाँ, क्योंकि कहीं ना सब लोग बोलते हैं ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है, पर मुझे किसी जगह से किसी चीज का बेनिफिट आया नहीं है। दलित बंधु मैंने लोन डाल रखा है, घर के लिए मैंने लोन डाल रखा है, डबल बेडरूम्स के लिए। पार्टी कौन सी पार्टी को अच्छा है बोल के बोले? किस चीज के लिए? एजुकेशन के लिए बोले या किस चीज के लिए बोले? एजुकेशन, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हद तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही उनमें कुछ फीस में कंसेक्शन है ना किसी चीज में। यहाँ का अगर देखा जाए तो यहाँ पे KCR तो बोल रहे हैं, पर KCR कर रहा है वो सब कब तक? इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी किस चीज़ की गारंटी है? ना ही अब तक दलित बंधु स्टार्ट हो के बहुत दिन हो गए, अदर कैस्ट को बहुत लोगों को मिल चुका है, बोल रहे हैं अभी तो सुना है देखा है, पर हम लोग जितने यहाँ पे मौजूद है ना, यहाँ किसी एक मेंबर का भी दलित बंधु का लोन पास नहीं हुआ है किस चीज़ के उस पर? ना ही डबल बेडरूम के उसमें हुआ है, ना ही किस चीज के उसमें हुआ है, तो किस कौन सी पार्टी को क्या कहे? आप क्या काम करती हैं? और मैं हाउसकीपिंग काम करती हूँ, मेरा नाम स्वाति है, मैं KCR को वोट डालती हूँ। कई को बोले तो डबल बेडरूम हमारा सगे लोगों को आया, मेरे को नहीं आया, फिर भी मैं भी KCR को डालती हूँ। कई को बोले तो मैं सिंगल वुमेन हूँ, मेरे को पिंचिन आता, थोड़ा बच्चों को पढ़ाई करने को वो क्या बोलते हैं हेल्प भी आता मेरे को, इसलिए मैं KCR को वोट डालती हूँ। अभी बचपन में जब 18 साल थी तभी भी मैं झोपड़ी में रही थी, पति के घर भी आई तो झोपड़ी में फुटपाथ पे भी थी। अभी मेरे को KCR ने बोले था डबल बेडरूम दिए, उसके लिए मैं उन्होंने मेरे को
रहने को शाह छत्र क्या रहने को दिए जगह मेरे को, उसके लिए मैं उसको ही चाहती, उसका खाना खाए उसको ही वोट डालूंगी। अभी क्या मुश्किल है, महंगाई है, तो नौकरी महंगाई है, सब महंगाई है, तनख्वाह बढ़ाओ बोलने से नहीं बढ़ाते, कुछ भी नहीं ये करते, परमिट करो करने से नहीं करते, जेल में डालते, परमिट बोलने से जेल में डालते, तनख्वाह बढ़ाओ बोलने से मारते, धरना करने से मारते, इसलिए करके कांग्रेस आए तो थोड़ा हम लोग को सेफ्टी होता।